हेलो एवरीवन, चलिए आज मीट बनाते हैं बहुत ही आसान ढंग से। लॉकडाउन में एक नए तरीके से बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा ये मीट। और मैंने इसके लिए लगभग 800 ग्राम मटन लिया है। और आज की ये रेसिपी मैंने ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए तैयार की है जिन्हें लॉकडाउन में अपने घर में बैठना पड़ रहा है, जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, ना रिजल्ट आया है और ना अभी कॉलेज या स्कूल के खुलने का टाइम आया है। तो उनके लिए है ये तरीका, बहुत ही आसान तरीका है मीट बनाने में। सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें परेशान करती है वो है प्याज का काटना। तो आज उनके लिए मैं इस तरह से प्याज काट रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, सर और पूंछ से प्याज को थोड़ा दबा कर काटें और उसके बाद बस इसके चार टुकड़े इस तरह से कर लेना है। इस प्याज को जब हम तेल में डालेंगे तो इसके पेटल खुद बखुद खुल जाएंगे और बारीक स्लाइसेस वाला ही काम होगा बिना बारीक किए हुए। तो चलिए, इस तरह से प्याज को हमने काट लिया है। कुकर में हमने 100 ग्राम तेल डाला है, सरसों का तेल है ये, और इसे स्मोकी होने तक गर्म कर लिया है। अब इसमें कटी हुई प्याज को डाल देना है और इसे इतनी देर तक पकाना है कि प्याज हल्का गुलाबी हो जाए और इसके सारे पेटल खुल जाए। यहाँ पर हमें फ्लेम को तेज रखना है और इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिला देना है। तो आप देख सकते हैं ये प्याज किस तरह से पेटल की शक्ल में बिखर गया है, अलग अलग हो गया है और अब ये हल्का गुलाबी भी हो गया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे धुला हुआ और छना हुआ 800 ग्राम मटन। फ्लेम हमने तेज रखा हुआ है। इसे चला देना है, फ्लेम को तेज रखना है और चलाते हुए हमें इसे फैला कर रखना है ताकि इसके अंदर का जितना मॉइस्चर है वो एवेपोरेट हो जाए। अगर जोर कर रखेंगे तो मीट बहुत सारे अपने जूसेस रिलीज करेगा जिसकी वजह से मीट बॉयल हो जाएगा, वो क्रिस्पी नहीं चला जाएगा। तो इसे चलाते रहें और थोड़ा सा फैला कर रखें। साथ ही अब इसमें डालने वाले सारे मसाले को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो मसाले में यहाँ पर हमने कुछ होल गरम मसाला लिया है। ये है ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स है, सिनेमन स्टिक, क्लॉव और ग्रीन कार्डमम है। ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड्स हमने हाफ टी स्पून लिया है। पाउडर मसाले में यहाँ पर हाफ टी स्पून हमारा होममेड गरम मसाला है, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टी स्पून भरकर कोरिएंडर पाउडर है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नमक इस्तेमाल किया है जो कि लगभग 1 टी स्पून है। अब ये सारे मसाले हमें मीट में डाल देना है जो कि तला जा रहा है। तो इसमें हमने डाल दिया। फ्लेम को अभी जस्ट हमने धीमा किया था, अभी इसे फिर से तेज़ कर देना है और इसे 2 मिनट तक हमें भून लेना है। वन टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट हमने यहाँ पर डाला है जिसमें तीनों चीज़ों की रेशियो बराबर बराबर है। और अब हमें यहाँ पर 1-2 मिनट तक इसे भूनने के बाद इसे गलने के लिए पानी डाल देना है। इस रेसिपी को जो भी ट्राई करें वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस तरह से प्याज काटना उनके लिए आरामदेह रहा, कुछ उन्हें फ़ायदा मिला या नहीं। तो चलिए, मैंने 2-3 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से इसको भून लिया है और अब मीट में गलने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल करना है।
तो यहाँ पर मैं लगभग 300 ml पानी डालने वाली हूँ, जो कि मैंने एक बड़े कप से लिया है, एक कप पानी। फ्लेम अभी भी तेज रखना है और इसमें बॉयल आने देना है। चलिए, तो अब इसमें उबाल आ चुका है, बिल्कुल तरी इसमें ऊपर आ चुकी है, तो अब हम इसको ढक देंगे और इसे प्रेशर कुक करेंगे। प्रेशर कुक करने के लिए हमारे कुकर को गोश्त गलाने में 15 मिनट का वक्त लगता है। तो मैं इसकी लीड लगाने के बाद इसमें तेज़ फ्लेम पर पहला प्रेशर आने दूंगी और उसके बाद फ्लेम को धीमा कर देना है और फिर वहाँ से 15 मिनट तक मैं गिनती शुरू करूँगी और 15 मिनट के बाद हम रिज़ल्ट देखने के लिए फिर से मिलेंगे। तो चलिए इसे हम गलने देते हैं। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से और अपने मीट के टेंडरनेस के हिसाब से अपना समय निर्धारित कर लें। तो दोस्तों, आपने देख लिया झटपट वाला मटन मसाला बनाने की बहुत ही आसान सी तरकीब। इसे उम्मीद है बच्चों ने सीखा होगा, इंजॉय किया होगा और वो ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर उन्हें अच्छा लगा तो हमारे साथ वो अपने कमेंट शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं और लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।